दिल्ली, हाँ, हम लोग का शहर भी हो जाएगा। अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली मुंबई के पैरेलल में हमारा पटना बने, हमारा बिहार उस कैटेगरी में आ जाए, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पटना मेट्रो आके क्या करेगा जब यहाँ नौकरी ही नहीं दे रहे हैं तो। बहुत अच्छा, हम लोग तो अपना बयान भी दिए हैं कि पटना में मेट्रो आए तो बहुत तरक्की होगा, हम लोग को बहुत सुविधाएँ होंगी। थोड़ी देर में हम लोग दानापुर पहुँचेंगे, थोड़ी देर में छपरा पहुँच जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पटना में मेट्रो डेवलपमेंट का एक सिग्नल तो है ही, डेवलपमेंट का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, बस थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, थोड़ी नीटनेस क्लैनलीनेस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये हमारे बिहार की बहुत तरक्की है और नीतीश कुमार जी बहुत बड़े और अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारा भी स्टेट अब तरक्की में है। ये बहुत ही अच्छा है, यही कहना चाहूँगी और क्या, ताकि हमारा देश तरक्की पे जा रहा है और हमारा पटना और हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। बहुत हर्ष की बात है और हम तो धन्यवाद कहते हैं जो नीतीश जी को, मोदी जी को। कुछ भी नहीं, और अच्छा है, हम लोग को घूमने में आसानी होगा, ये सब बच्चे लोग हैं वो लोग भी इंजॉय करेंगे बहुत। ये सब ट्रैफिक है ना अपना पटना जंक्शन का, कितना ट्रैफिक है, वो कम हो जाएगा ना, लोगों को जाने आने की सुविधा हो जाएगी, नहीं तो क्या होता है ऑटो रिक्शा में बैठते हैं 25-25 लोग एक साथ में। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल livecities.in में, मैं हूँ सुजीत सागर। भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अंततः पटना को मेट्रो की सौगात मिल चुकी है। पटनावासी मेट्रो को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उनकी कल्पनाएं हैं, कितना वो खुश है, हम ये पटना के लोगों से बात करके ही जानेंगे। पटना में मेट्रो आने वाली है, कुछ ही बहुत खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत अच्छा, हम लोग को अच्छा लग रहा है सुन के, सबको सुविधा होगा तो अच्छा ही है। अच्छा ही बात है। और किस तरह का अच्छा लगेगा देख के, मतलब नहीं आने जाने में, आने जाने में सुविधा होगी सबको, पब्लिक को सुविधा होगी तो अच्छा ही होगा ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। मजा आते में हमको भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग का शहर भी हो जाएगा, अच्छी बात है। दिल्ली मुंबई के जैसे पटना में भी हो जाएगा। मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं इसका, बहुत अच्छा, आज वही तो देख रहे हैं, कल करेंगे, तैयारी उसी की चल रही है। हाँ वही तो देख रहे हैं, हमको लगा आज ही रात है इसीलिए हम लोग। इंतजार खत्म हो गया, हाँ मेट्रो का इंतजार खत्म हो गया। इंसान अपडेट करता है, हमारा स्टेट अगर आगे बढ़ रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना। हम भी चाहते हैं यहाँ की जो ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैं उससे लोगों को निजात मिलेगी, कम समय में लोग लंबे दूरी की यात्रा कर पाएंगे, अपने काम को कम समय में निपटा पाएंगे, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जिस तरह से दिल्ली मुंबई में भी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली मुंबई के पैरेलल में हमारा पटना बने, हमारा बिहार उस कैटेगरी में आ जाए, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शुरुआत हो चुकी है, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और ये जो काम है ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आज अगर हो रहा है तो आज की तारीख में भी बहुत अच्छी बात है। पटना मेट्रो आके क्या करेगा जब यहाँ नौकरी ही नहीं दे रहे हैं तो, मेट्रो लेके क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ का इतना अच्छा व्यवस्था तो है नहीं, पहले व्यवस्था तो लिया है तब ना मेट्रो आएगा, अभी तो 10 साल से देख रहे हैं कि मेट्रो आ ही रहा है। फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं इसका, अच्छा बात है उद्घाटन करें, लेकिन पहले सरहद पे जो फौजी लोग मरे उनका तो पहले शोक मना ले, फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे बाद में। मेट्रो जो आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये सही बोली अभी, जो शहीदों को पहले शोक मनाना चाहिए वो पहले होना चाहिए, यही बस। पहले कॉन्फ्रेंस ही पे लगे हुए हैं, जब इतना ख्याल आता है देश का तो पहले फौजी लोग के लिए शोक मनाते हैं, उसके बाद कॉन्फ्रेंस करते, तब देखते कि हाँ मोदी जी कितना ये कर रहे हैं। मेट्रो तो आती रहेगी, पहले फौजी लोग के लिए तो कम से कम कुछ कर लें, तो पहले लगे आने अपना कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उनके लिए तो शोक मनाना है नहीं, उनके लिए क्या करना है, सरहद पे इतने लोग मर गए। अच्छी बात है मेट्रो आ रही है तो पटना में मेट्रो आ रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो 44 जवान जो सरहद पर, हाँ तो जम्मू कश्मीर जो शहीद ये तो और ज़्यादा जरूरी है ना, तो बहुत ज़्यादा। तो आप चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी को इस पटना मेट्रो के जो प्रोग्राम है इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए था? हाँ जरूर, बिल्कुल होना ही चाहिए।
पहले ये सच्ची श्रद्धांजलि होती है। हाँ जी, और उनको भी अगर जनता से अगर इतना मतलब कि करना होता तो जनता भी उनके प्रति ये एथी होता कि हाँ भाई मोदी जी इतना मतलब अपना कॉन्फिडेंस के सहित के लिए इतना कर रहे काम, तो उसे और भी ज़्यादा जनता उनको पसंद करता हो सकता। नहीं ऐसा तो हुआ नहीं, कुछ अपना ही कॉन्फिडेंस पे लगे ध्यान देने, तो क्या बोले अब इससे ज़्यादा। कुछ और चल रहा है क्या उनके माइंड? अब हम कुछ कह नहीं सकते अभी तो सब, तो हम लोग कैसे जान सकते हैं सर। अभी तो सब वोट पे ही ध्यान दे रहे कि भाई हमें वोट मिलना चाहिए। उनको तो कैसे भी करके शहीद जो हुए है उनको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। सही है, क्या लग रहा है यहाँ पर? तो हमको नहीं लगता है कि हो पाएगा। क्यों लगता है ऐसा कि नहीं हो पाएगा? कहे कि यहाँ का ये पब्लिक लोग है ना, वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहा है। किस चीज़ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं? मतलब जैसे व्हीकल ही चलता है तो व्हीकल में वो लोग ये वो रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करता है, तो मेट्रो आने के बाद तो ही बात ही है। और तो इसके लिए तो बहुत ही टाइम लगेगा मेट्रो आने के लिए। क्या आप ये मानती हैं कि पटना के लोग मेट्रो में चढ़ने लायक नहीं है? क्यों नहीं है, लेकिन वो कोऑपरेट करेंगे तो क्यों नहीं है, जल्दी आ जाएगा और बनेगा। लेकिन आप ही बोल रही हैं कि रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है। पहले रूल रेगुलेशन फॉलो करने की उसके बाद ही ये करना, मेट्रो मिलनी चाहिए। हाँ, तो लेकिन ये जो मेट्रो जो इसका उद्घाटन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको कैसे देखती हैं? पहले पटना को पहले तैयार होने की जरूरत है, पहले तैयार होने की जरूरत है, उसके लायक होने की जरूरत है, उसके बाद ही मेट्रो का ये करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पटना मेट्रो आ रही है, क्या कहेंगे? या ये तो बहुत खुशी की बात है कि पटना में भी मेट्रो आने वाली है। बट जैसे कि आपने कहा, जैसे पहले वाले जो बोल रहे थे, बट इसके लिए सबसे पहले पटना को तैयार होना चाहिए। और इसके लिए मतलब जैसे जैसे मेट्रो आ रही है, उसके लिए पटना को भी तैयार होना चाहिए जैसे मेट्रो आ रही है उसके लिए। सो इस प्रकार से काम भी जो परियोजना चलेगी यहाँ जो मेट्रो बनाने के लिए, उस लायक सभी आदमी लोग को कोऑपरेट करना तभी हो पाएगी। नहीं तो ये उद्घाटन तो हो जाएगी लेकिन जो ये परियोजना पेपर पर ही रह जाएगी। इसको इट हैज़ टू बी एग्जिस्ट, हैज़ टू कम रियलिटी ऑल्सो, और इट विल रिमेन ऑन द पेपर्स ओनली। बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुशी हो रही है, और क्या बोल सकते हैं। बड़े दूसरे शहर जो हैं दिल्ली मुंबई, उनमें भी मेट्रो चलती थी, या पटना को फाइनली मेट्रो मिल रही है जी, क्या कुछ? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, खुशी है, क्या बताया। इतना ही सब पता, खुशी देख के पता चल रहा है ना। आ रहे हो मेट्रो, आजकल तो जरूरत है, पटना आनी चाहिए, पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में होना ही चाहिए, अच्छा है वो। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में मेट्रो चल रही थी, या फाइनली पटना को भी मेट्रो मिल रही है, कितना कुछ रिलीफ होगा पटना वासियों में? भीड़ तो ऐसी ज़्यादा रहती है, फिर भी तो रिलीफ तो होना ही हो रहा है। ये जो ट्रैफिक नियम जो पटना के लोग जो अधिकतर लोग जो फॉलो नहीं करते हैं, क्या कुछ लगता है कि पटना मेट्रो आने के बाद क्या उस तरह से उसको थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन हर सा ये नहीं हो जाएगा, ज़्यादा असर तो नहीं पड़ेगा। क्या लगता है कि पटना मेट्रो आने से पहले लोगों को जागरूक होने की जरूरत है? हाँ, जागरूक तो होने की जरूरत है। अच्छी खबर है, और क्या? बहुत अच्छा, हम लोग तो अपना बयान भी दिए हैं कि पटना में मेट्रो आए तो बहुत तरक्की होगा, हम लोग को बहुत सुविधाएँ होंगी। थोड़ी देर में हम लोग दानापुर पहुँचेंगे, थोड़ी देर में छपरा पहुँच जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में जो पटना ये जो मेट्रो थी, और अब पटना में भी मेट्रो मिल रही है, कितना मानती हैं कि कितना अच्छा रहेगा? एक्साइटेड है हम लोग कि कब आए। दिल्ली और बॉम्बे में तो घूम ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने यहाँ देखना चाहती हूँ कि किस तरह लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ तो गंदगी बहुत रहेगी, लेकिन उसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। और जगह जगह जो पटना के जो लोग हैं या बिहार के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन फॉलो करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पीछे रहता है कि पटना मेट्रो को उस तरह से, वही बात है, पटना मेट्रो अगर बन जाएगी तो तुरंत तो नहीं फॉलो करेगा, धीरे धीरे गंदगी साफ होगी, जब लोग रोकेंगे, वहाँ के पावर में आएंगे, यहाँ के लोग जैसे बाहरी लोग कुछ लोग यहाँ एंट्री करेंगे, तब वो लोग कंट्रोल होंगे। ऐसे धीरे धीरे तो चलेगा ही उसी तरह। मेट्रो जो आ रही है खुशी की बात है, बिल्कुल खुशी की बात है। मैं दे चुकी हूँ अपना स्टेटमेंट, मैं दे चुकी हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर शकुंतला ठाकुर। पटना मेट्रो आ रही है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, पर ठीक है, यहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ यहाँ की, तो डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, वी ऑल आर एक्साइटेड। दिल्ली में मेट्रो है, पटना में मेट्रो आने वाली है, क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस? पटना में मेट्रो डेवलपमेंट का एक सिग्नल तो है ही, डेवलपमेंट का, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, बस थोड़ी
अवेयरनेस की ज़रूरत है, लोगों में थोड़ी नीटनेस क्लैनलीनेस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, और बाकी सब ठीक है। रूल फॉलो करने में कहीं ना कहीं रूल्स नहीं, लोग रिलक्टेंट हैं, लोग जल्दी अपने चीज़ों को पुरानी चीज़ों पे ही अटके रहते हैं, नई चीज़ों को अडेप्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो चीज़ थोड़ी जैसे जैसे बदलेगी वैसा अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इज़ गुड। हाँ, ये हमारे बिहार की बहुत तरक्की है और नीतीश कुमार जी बहुत बड़े और अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारा भी स्टेट अब तरक्की में है। और दिल्ली मुंबई से शहर में मेट्रो थी या पटना में मेट्रो आ गई है, हाँ, कितना कुछ कंपेयर करने में, तब हम लोग भी उसके मकाम पे खड़ा हो चुके हैं, तो फख्र की बात है हमारे लिए कि हम बिहारियों के लिए भी बहुत बड़ा खुशी और सौगात की बात है। और देखा जाता है कि कहीं ना कहीं बिहारी जो है या बिहार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं रूल फॉलो करने में, ट्रैफिक नियम हो चाहे जो भी रूल हो फॉलो करने में कहीं ना कहीं वो प्रतिबद्धता नहीं दिखती है, क्या लगता है पटना मेट्रो आ रही है दिखाने की जरूरत है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, देखिए ऐसा है कि थोड़ा कानून व्यवस्था अगर सही हो तो हम पब्लिक भी ज़रूर फॉलो करेंगे, सही है ना, वो तो कानून के ऊपर भी है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही है तो हम जनता भी सही हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे बिहार के अंदर में अगर पटना में आते तो बहुत अच्छी बात है, और हम चाहते हैं जितना डेवलप हो बहुत अच्छा है, और हमारी सरकार जो बिहार सरकार है जो नीतीश बाबू काम कर रहे हैं तो उस हिसाब देखा जाए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छा है, यही कहना चाहूँगी और क्या, ताकि हमारा देश तरक्की पे जा रहा है और हमारा पटना और हमारा बिहार भी आगे आगे बढ़ेगा। दिल्ली मुंबई से शहर में मेट्रो थी या पटना में भी आपको मेट्रो मिल रही है, कितना आप रिलेट करेंगे? बहुत कुछ, लोगों का टाइम बचेगा, साथ साथ ट्रैफिक से भी लोगों को निजात मिलेगा, और बस और एक चीज़ देखी जाती है कि कहीं ना कहीं पटना के वासी जो हैं या बिहार के जो लोग हैं कहीं ना कहीं रूल फॉलो करने में चाहे वो ट्रैफिक नहीं हो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्या पटना मेट्रो में उस तरह से वो प्रतिबद्धता दिखाएंगे अपनी? हो सकता है जब सरकार उनके लिए करे तो उनको भी उनके लिए करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नहीं साथ देंगे तो फिर कौन साथ देगा? साथ देने की जरूरत है पटना में। हाँ जरूर। बहुत हर्ष की बात है और हम तो धन्यवाद कहते हैं जो नीतीश जी को, मोदी जी को। बहुत अच्छी बात है, हमको तो बहुत अच्छा लगेगा आएगा तो, और थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह का ये हो जाएगा, कम हो जाएगा और लोगों की सुविधा थोड़ा अच्छी हो जाएगी। दिल्ली मुंबई से शहर में मेट्रो थी या पटना में मेट्रो आ रही है, हाँ, तो बहुत हमको अच्छा लग रहा है, मैं दिल्ली में रह के आई हूँ तो बहुत अच्छा लगेगा हमको यहाँ भी आ जाएगा तो। अच्छा, कहीं ना कहीं पटना के लोग जो है वो चाहे वो ट्रैफिक नियम हो चाहे कोई किसी तरह के नियम हो अधिकतर नियम फॉलो करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, क्या लगता है कि पटना मेट्रो थोड़ा करने लगेंगे, थोड़ा मेट्रो आएगी तो हमको लगता है, और आज की युवा पीढ़ी तो करती ही है, थोड़ा पहले के जो है वो थोड़ा ध्यान नहीं देते। बहुत अच्छा सुविधा हो जाएगी चलने के में, पब्लिक के थोड़ा आराम भी होगा उससे, और समय की बचत होगी, समय की बचत भी होगी। अच्छा, जो लोग रूल फॉलो नहीं करते ट्रैफिक नियम के, क्या लगता है कि वो गलत है? जो ट्रैफिक के रूल नहीं फॉलो करते हैं बहुत गलत बात है, तो करना चाहिए। मेट्रो के जो रूल्स होंगे क्या उनको फॉलो करने में कहीं ना कहीं आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे? अभी कुछ दिन तो पीछे रहेंगे बट मैनेज कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है, चलो जी, बहुत खुशी की बात है। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में मेट्रो थी या पटना में मेट्रो आ गई है, हाँ, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, यात्री के लिए सुविधा होगा और क्या, कुछ भी नहीं, और अच्छा है, हम लोग को घूमने में आसानी होगा, ये सब बच्चे लोग हैं वो लोग भी इंजॉय करेंगे। अच्छा, एक चीज देखी गई है पटना के लोग यार खुशी की बात है, पटना मेट्रो आ रही है बहुत अच्छा। अच्छा, पटना के लोग कहीं ऐसा होता है कि रूल फॉलो करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्या लगता है कि पटना मेट्रो के जो रूल रेगुलेशन है वो फॉलो करेंगे? जरूर करेंगे। वो तो और अच्छी है, अच्छी बात है। पटना में मेट्रो आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, पटना का विस्तार हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और अभी का जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं जहाँ भी अभी पटना में, यहाँ हमारे महाराष्ट्र से आए हुए हैं लेकिन हमें यहाँ बहुत सुरक्षित लग रहा है अभी, तो ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिल्ली में, मुंबई में भी मेट्रो है, पटना में भी मेट्रो आ जाएगी जी, नागपुर में मेट्रो ऑलरेडी अभी उद्घाटन है, मोदी मेट्रो का उद्घाटन है, नागपुर है, और अब पटना में भी मेट्रो आ रही है, कितना रिलेट करेंगे, कितना महसूस, अच्छा महसूस करेंगे? बहुत, ये सब ट्रैफिक है ना अपना पटना जंक्शन का, कितना ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा ना, लोगों को जाने आने की सुविधा हो जाएगी, नहीं तो क्या होता है ऑटो रिक्शा में बैठते हैं 25-25 लोग एक साथ में, ये यहाँ पे देख रही मैं, हमारे उधर नहीं है महाराष्ट्र में ऐसा, इतना नहीं बिठाते, वहाँ ट्रैफिक रूल है 3 के ऊपर नहीं बिठाते हैं, पर यहाँ पे ट्रैफिक के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। मेट्रो आ रही है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, होना चाहिए। मेट्रो आ रहे हैं तो बिहार का डेवलपमेंट का ये इंडिकेशन है,
सिंबल है और सिम्टम भी है, तो बिहार की जनता ने अभी सोचना चाहिए कि आगे जाके आप उनको डेवलपमेंट चाहिए। आगे आने वाले जो जनरेशन है वो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड जनरेशन के लिए कोई तो बदलाव देना चाहिए, डेवलपमेंट देना चाहिए उनकी सर एजुकेशन, वो बदलाव इंपॉर्टेंट है। अगर आप बदलाव नहीं करेंगे तो कैसा हो जाएगा इम्पोर्ट एजुकेशन। अभी का सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मेट्रो है, लेकिन सड़कों का जाल बिछना चाहिए, सड़कें बड़ी होनी चाहिए, लोगों को आवागमन में तकलीफ ना हो। ये सबसे ये आ गया ना तो भी आप सोच रहे पटना ने बहुत तरक्की कर ली। तो हमने आज पटना के लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि पटना मेट्रो की सौगात मिल रही है, क्या कुछ खुशी है उनकी, उस खुशी को कैसे जाहिर करेंगे। दूसरे मेट्रो सिटीज में से अब पटना में भी मेट्रो आ रही है, क्या कुछ एक दूसरे से शहर से रिलेट करेंगे। हमने लोगों से बात की, उन्होंने अपनी खुशी का जाहिर की। साथ ही साथ एक लड़की ने ये भी कहा कि ये जो 44 जवान जो जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं उनकी शहादत में प्रधानमंत्री को इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देना चाहिए था, ये शायद उन नौजवानों को, उन 44 नौजवानों को, शहीदों को ये असली श्रद्धांजलि होती। फिलहाल अगर हमारा ये पब्लिक ओपिनियन जो कि पटना मेट्रो की जो सौगात मिल रही है पटना वासियों को इसके ऊपर था, अगर ये पसंद आया तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देश दुनिया बिहार की सभी लेटेस्ट खबर के लिए आप livecities.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना। जैसे दिल्ली हाँ, हम लोग का शहर भी हो जाएगा, अच्छी बात। हम तो चाहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली मुंबई के पैरेलल में हमारा पटना बने, हमारा बिहार उस कैटेगरी में आ जाए, ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पटना मेट्रो आके क्या करेगा जब यहाँ नौकरी ही नहीं दे रहे हैं तो। बहुत अच्छा, हम लोग तो अपना बयान भी दिए हैं कि पटना में मेट्रो आए तो बहुत तरक्की होगा, हम लोग को बहुत सुविधाएं होंगी। थोड़ी देर में हम लोग दानापुर पहुंचेंगे, थोड़ी देर में छपरा पहुंच जाएंगे, ये तो बहुत अच्छी बात है। पटना में मेट्रो डेवलपमेंट का एक सिग्नल तो है ही, डेवलपमेंट का धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, बस थोड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में, थोड़ी नीटनेस क्लैनलीनेस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये हमारे बिहार की बहुत तरक्की है और नीतीश कुमार जी बहुत बड़े और अच्छे काम कर रहे हैं, इसमें हम सब बहुत ज़्यादा खुशी हम लोगों को महसूस हो रहा है कि हमारा भी स्टेट अब तरक्की में है। ये बहुत ही अच्छा है, यही कहना चाहूँगी और क्या, ताकि हमारा देश तरक्की पे जा रहा है और हमारा पटना और हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा। बहुत हर्ष की बात है और हम तो धन्यवाद कहते हैं जो नीतीश जी को, मोदी जी को। कुछ भी नहीं, और अच्छा है, हम लोग को घूमने में आसानी होगा, ये सब बच्चे लोग हैं वो लोग भी इंजॉय करेंगे बहुत। ये सब ट्रैफिक है ना अपना पटना जंक्शन का, कितना ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा ना, लोगों को जाने आने की सुविधा हो जाएगी, नहीं तो क्या होता है ऑटो रिक्शा में बैठते हैं 25-25 लोग एक साथ में।